नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। माना सियासत संभावनाओं का खेल है, लेकिन लोकतांत्रिक परंपराओं को भी तो दरकिनार नहीं किया जा सकता। जब सूबे की जनता ने 5 साल के लिए गहलोत सरकार को चुन लिया, जब सदन में कांग्रेस ने बहुमत दे दिया और अशोक गहलोत को सूबे की कमान सौंप दी, तो फिर मरुधरा में क्यों रची जा रही है सियासी साजिशें? क्यों ऑपरेशन लोटस को फिर से दोहराने की कोशिशें की जा रही है? क्यों सूबे के विकास में रोड़े अटकाए जा रहे हैं? जी हाँ, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के ताजा बयान ने एक बार फिर सूबे की सियासत में बवाल मचा दिया है। घाटोल में कार्यकर्ताओं के बीच कटारिया ने यहां तक कह दिया कि 6 महीने में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, जिससे सियासी गलियारों में फिर से खड़ा हो गया है वही सवाल, क्या मरुधरा में फिर से ऑपरेशन लोटस की तैयारी की जा रही है? चंद महीनों पहले ही सियासत के जादूगर ने सरकार गिराने की कोशिशों को मात दी थी। गहलोत के मास्टर स्ट्रोक का ही कमाल है कि तमाम साजिशों और कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस सरकार बरकरार है, लेकिन एक बार फिर षड्यंत्र रचा जा रहा है। सरकार गिराने की साजिशें सर उठाने लगी है, तो क्या मान लिया जाए कि राजस्थान में होगा ऑपरेशन लोटस पार्ट 2? छह महीने में यह सरकार जाएगी गुलाब चंद कटारिया। कारण क्या कि हाँ आपस में माथे फूट रहे हैं होटलों में बंद करने के लिए। मैंने कहा जो गए थे तुम, क्योंकि तुम चाहते थे लड्डू इसको मिले कि मुझको मिले, लड़ाई तो इसी बात की थी ना। कटारिया जी के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी में साजिश रची जा रही है और कटारिया जी के खुद को नेता प्रतिपक्ष से पद से हटाने की मुहिम काफ़ी दिनों से जोर पकड़ी हुई है। पद को बचाने के लिए वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या गुलाब ने जाहिर कर दिए कमल के मंसूबे? क्या फिर से परवान चढ़ने लगी सत्ता पाने की हसरतें? क्या गुल खिलाएंगी राजनीतिक रंजिशें? सूबे में कब खत्म होगी सियासी साजिशें? और सबसे बड़ा सवाल कि ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 में क्या होगा? हारेगी साजिशें या कामयाब हो जाएंगे मंसूबे? बिग फाइट पे बहस आज इसी मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है बीजेपी नेता मुकेश पारिख जी, विधायक संयम लोढ़ा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी हैं, और साथ ही आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ शामिल हैं इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मुकेश पारिख जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपसी गतिरोध कांग्रेस में है, सब एकजुट नहीं है, तमाम तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। ठीक है, सरकार गिराने की कवायद कोशिश भी जारी रही है, लेकिन उन सबको दरकिनार किया गया। कांग्रेस एकजुट होकर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन गुलाब चंद कटारिया का अचानक ये बयान देना, क्या मायने इसके निकाले जाए कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी? देखिए, कटारिया साहब का अपने निजी अनुभव के आधार पर बयान है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि इसमें काफ़ी तथ्य नज़र आते हैं। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले कई दिनों से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर इन्हीं के नेताओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, और अगर हम यूँ कहें कि आज की तारीख में कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व विहीन हो चुकी है, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चिदम्बरम जी हो, और भी कई नेता हैं जो समय समय पर ये कह रहे हैं कि आज कांग्रेस धरातल पर नहीं है, कांग्रेस अपनी जमीनी जो उनकी ताकत है वो खो चुकी है, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व सक्षम नहीं है। इस तरीके की बातें ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जहां तक राजस्थान में सरकार का सवाल है, आपने इसको ऑपरेशन लोटस या जो भी आप कहें, लेकिन ये ऑपरेशन लोटस नहीं था, ये ऑपरेशन बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के खुद पीसीसी के अध्यक्ष पार्टी को छोड़ के चले गए दिल्ली, उनके साथ कई विधायक चले गए, मंत्री चले गए, तो इसमें कहाँ हमारा ऑपरेशन हुआ? ये तो कांग्रेस के अंदर का ही ऑपरेशन था जो उभर के आया, और वो चाहते थे कि ये कांग्रेस की अशोक गहलोत नेतृत्व की सरकार गिरे, और उसी के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन येन केन प्रकारेण कांग्रेस अशोक गहलोत हो, चाहे हमारे बीच में आज इस बहस में संयम लोढ़ा जी हैं, इनके जैसे जो संकट मोचक नेता बने कांग्रेस में, उन लोगों ने येन केन प्रकारेण समझा के इनको सरकार को बचाया। लेकिन ये लड़ाई में बाहर का कोई लेना देना नहीं, ये कांग्रेस के अंदर की लड़ाई जी। ये आपने कहा कि बाहर किसी का लेना देना नहीं, इनके अंदरूनी लड़ाई थी, तो हर बार इनकी अंदरूनी लड़ाई में बीजेपी खुश क्यों हो जाती है? बीजेपी की तरफ से बयान क्यों आने लगते हैं? बीजेपी क्यों कहने लगती है कि
सरकार गिर जाएगी, उस वक्त भी कहा जा रहा था जब जून जुलाई में इतना सब कुछ पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, और अभी भी गुलाबचंद कटारिया का ये बयान है, किसी ने कांग्रेस के अंदर से नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रही है और हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि राजस्थान की सरकार किस प्रकार से चल रही है, राजस्थान की सरकार में क्या कमियां और खामियां हैं उसको उजागर करना और जनता तक पहुंचाना। बहुत सही बात कही आपने, धर्म भी है और हमारा बिल्कुल सही, यही धर्म है। देखिए, विपक्ष के तौर पर भूमिका निभाना ये धर्म है, बिल्कुल सही। सरकार की कमियों को गिनाना ये विपक्ष का धर्म है। कुछ अगर रह गया है जनता के हित में काम किए जा सकते उसका सजेशन देना ये विपक्ष का धर्म है, लेकिन सरकार को गिरा देना या गिर जाए सरकार ये बार बार इस तरह की बातें कहना ये विपक्ष का धर्म नहीं है, जनता ने चुनकर भेजा है सरकार को। चलिए, संयम लोढ़ा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संयम जी बिल्कुल, मुकेश जी वापस लौटेंगे आपके पास। आप श्वेता जी फिर गलत बोल रही हैं, सरकार हम नहीं गिरा रहे, सरकार कांग्रेस गिरा रही है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, संयम जी हमारे साथ है और उस वक्त भी जून जुलाई में जो देखने को मिला था एक महीने तक घटनाक्रम चला। संयम जी, गुलाबचंद कटारिया के इस बयान को कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या वजह मानते हैं कि बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान पहले भी आए और अभी भी आ रहे हैं? तब इन्हीं गुलाबचंद जी कटारिया ने कहा था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। और अब कटारिया साहब कह रहे हैं कि 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी, तो उन्हें बताना चाहिए कि वो किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन बॉन्ड के जरिए अरबों रुपए इकट्ठे किए हैं और अब विदेशों से जो चंदा राजनीतिक पार्टी को मिलता है उसमें भी उन्होंने अमेंडमेंट करके ये प्रोविज़न कर दिया है कि जो विदेशों से चंदा आ रहा है उसमें सोर्स बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया में नई दिल्ली के अंदर जो 1500 करोड़ रुपए खर्च करके कार्यालय बना है वो पूरी दुनिया में किसी भी राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा और भव्य कार्यालय है। तो अकूत पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास एकत्र हुआ है। अब जिस तरीके से गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में उन्होंने खरीद फरोख्त की है और वहाँ वो सरकारों को गिराने में और खुद की सरकारों में बनाने में कामयाब भी हुए हैं, तो अब वो कटारिया साहब बताएं कि खरीद फरोख्त के किस तरीके से वो आगे सरकार को गिराने की मंशा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी बताएं कि क्या बोली लगा करके वो विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। राज्यसभा के चुनाव में इनके पास वोट नहीं थे, तब भी बिना वोट के इन्होंने चौथा प्रत्याशी खड़ा किया, खरीद फरोख्त के जरिए प्रयास किया कि वो चौथा प्रत्याशी जीत जाए, इनको मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री का ऑडियो सामने आया विधायकों की खरीद फरोख्त का, आज तक केंद्रीय मंत्री ने अपना वॉइस सैंपल नहीं दिया है। ये सारी बातें ये जाहिर करती है कि धन के बल पर लोगों के जनादेश को कुचलने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करती रही है। राजस्थान में कटारिया साहब का स्टेटमेंट जाहिर करता है कि ये फिर ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि पहले की तरह इस बार भी ये मुंगेरी लाल के असीन सपने साबित हो। ठीक है, यानी कि जैसे पहले कोशिश की गई, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, हालांकि बीजेपी का कहना है कि इससे उनका लेना देना नहीं है और ये भी एक बार फिर से सपने ही देख रहे हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, सरकार बनती है जनता चुनकर लेकर आती है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन क्या राजस्थान में अब सरकार बचाना, सरकार गिराना यही 5 साल चलता रहेगा? ये देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, दोनों पार्टियों के पार्ट पर ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो खरीद फरोख्त कर रही है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन गुलाबचंद कटारिया का जो वक्तव्य है वो क्रेडिबल नहीं है, क्योंकि ये पहले भी एक बार ये एफर्ट्स लगा चुके हैं। जब तक वसुंधरा जी नहीं बोलेंगी कुछ, तब तक आप इन लोगों के वक्तव्य पर बहुत ज़्यादा गौर मत करिए। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के विधायक बिकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको खरीदते हैं। ये परंपरा जो है पिछले 4-5 साल में देश के अंदर चल रही है और ये लगातार राजस्थान में भी एफर्ट चल रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोविड के इस पूरे काल में ये लोग किस तरह की सियासत में लगे हुए हैं ये सोचिए आप, और देश बर्बाद हो रहा है, प्रदेश बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये खरीद फरोख्त की राजनीति में जुड़े हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको पॉजिटिविटी के साथ जाना चाहिए। विपक्ष में अगर
कोई पार्टी है तो उसको सरकार के कामकाज पर बात करनी चाहिए, ये गिर जाएगी, ये कब से ज्योतिषी हो गए गुलाब चंद जी, कब से ये सब इन्होंने कर्म शुरू कर दिए। ये एक राजनीतिज्ञ हैं, विपक्ष के नेता हैं, इनको सरकार के कामकाज पर टिप्पणियां करनी चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। एसपी मित्तल जी, क्या वाकई में जो गुलाब चंद कटारिया ने बयान दिया उसे हम माने कि ऑपरेशन लोटस पार्ट टू है? कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट क्या सोचकर गुलाब चंद जी ने ये वक्तव्य दिया कि 6 महीने में सरकार गिरेगी? सुधा जी, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई में और अगस्त में 1 महीने तक कांग्रेस के 18 विधायक दिल्ली में रहे और इसके बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं गिर सकी। उसका मोटा मोटा कारण यह है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत सरकार का नेतृत्व कर रहे, कांग्रेस सरकार का नेतृत्व कर रहे। तो क्या गुलाब चंद कटारिया को अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को लेकर कोई संशय है या उनको अभी भी लगता है कि वो अशोक गहलोत को मात दे देंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जुलाई अगस्त के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसमें अभी ऐसा नजर नहीं आता कि सरकार गिराने की कोई स्थिति हो। लेकिन जहां तक कटारिया साहब का बयान है, चूंकि वो प्रतिपक्ष के नेता है और विपक्ष के विधानसभा में नेता है, तो ऐसी स्थिति में उनको उनके बयान को भी खारिज नहीं किया जा सकता आसानी के साथ में। संयम लोढ़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले घटनाक्रम को देखा जाए तो जब सचिन पायलट जब लौट के आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में जाकर अपने डॉक्टर को अपना मर्ज बता के आ गए और अब डॉक्टर के ऊपर है कि वो कैसा इलाज होगा। लेकिन अभी उसके बाद में 2-3 महीने गुजर गए लेकिन सचिन पायलट ने अभी ये नहीं बताया कि क्या उस मर्ज का इलाज हो गया है। अब संयम लोढ़ा जी बताएं कि क्या वाकई उस मर्ज का इलाज हो गया है। लेकिन इस बीच पिछले 2 महीने के अंदर जो राजनीतिक नियुक्ति हुई, चाहे लोक सेवा आयोग के अंदर नियुक्ति हुई हो या और जगह भी नियुक्ति हुई है, उसमें श्वेता जी सचिन पायलट के बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद उनकी राय नहीं ली गई। ठीक है संयम लोढ़ा जी, अभी आपने सुना कि एसपी मित्तल जी का क्या कहना इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, पहले जो हुआ या इस गुलाब चंद जी के जो बयान को लेकर भी। लेकिन एक अहम बात जरूर है, बार बार बीजेपी ये कहती है कि गतिरोध अभी भी कुछ एक नहीं है, सब ऊपर कुछ दिखता है, अंदरूनी तौर पर कुछ और है। क्या वाकई में कांग्रेस में ऐसा कुछ है? सैयब जी बेहतर तरीके से आप कैमरे में बोलेंगे तो उसका असर भी होगा। क्या वाकई में सब एकजुट है, एक साथ है, अब पहले जैसे द्वेष वाली बात कोई नहीं रह गई है? बीजेपी अगर कोशिश भी करे तो सफल नहीं हो पाएगी क्योंकि एकजुट है कांग्रेस, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। जी देखिए, पूरी तरह एकजुट है और राजस्थान की विधानसभा में जब विश्वास मत प्रस्ताव पेश हुआ तब आपने देखा भी होगा भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ ये भी साहस कहने का नहीं जुटा पाई कि मत विभाजन करिए, मत विभाजन करते तो उनके खुद के जो 72 MLA वो भी वहाँ हाजिर नहीं थे, उनके तो खुद के 4 MLA वहाँ गायब हो गए थे। और आज तक भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पाई कि उनके 4 MLA वहाँ गायब क्यों हुए। मुकेश जी इसी का जवाब। और आने वाले लगातार कोरोना को लेकर के, दूसरी चीजों को लेकर के लगातार सरकार पूरी तरह से सक्रिय होकर के काम कर रही है, बार, सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। बार, ये अब आप मुकेश जी देखिए, कांग्रेस की नेतृत्व की अक्षमता और सरकार की विफलता, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है। इनके यहाँ असंतोष, जो इनके यहाँ असंतोष है ये उस चीज़ को नहीं बोलते। संयम लोढ़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है, लेकिन ये इनको इनकी मजबूरी है इनकी बोलना। अगर इनके यहाँ सब कुछ सही होता, अभी मित्तल साहब ने जो बात कही, अगर सब कुछ सही होता तो इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होता, संयम लोढ़ा जी संकट मोचक बने थे, ये मंत्री होते। लेकिन इनके यहाँ सब कुछ सही नहीं है, इनके यहाँ कोई भी चीज सही नहीं है, उसी का परिणाम है और उसी कारण से गुलाब जी कटारिया ने ये बात कही है। आज आप देखिए ना, आज राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है, अशोक गहलोत पर इन्हीं के पीसीसी के अध्यक्ष ने लगाया है, हमने नहीं लगाया। और जब प्रदेश अध्यक्ष अगर सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, सरकार का उप मुख्यमंत्री सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है, सरकार के मंत्री खिलाफ खड़े हो जाते हैं, विधायक खड़े हो जाते हैं, तो आप दूसरी पार्टी पर दोषारोपण करते हैं। ये लोटस टू जो आप बोलते हैं ना, ये गलत है, ये लोटस टू नहीं है, ये सरकार की विफलता और कांग्रेस की अक्षमता नंबर टू है, आप इसको ऐसे जोड़िए। और संयम जी को तो बहुत टाइम हो गया संयम रखते हुए, अब तक तो इनका विस्तार
तैयार हो जाना चाहिए था मंत्रिमंडल का, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके यहाँ सब कुछ सही नहीं है और आप उस सही को पहले ठीक करें। और जनता की आज मुख्यमंत्री जी के पास वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, उन दोनों मंत्रालयों का ध्यान देने के बजाय वो सरकार को बचाने का ध्यान दे रहे हैं। आप सरकार में चुन के आए हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप जनता के लिए चुन के आए हैं, जनता की कठिनाइयां दूर करने के लिए आए हैं, ना कि 5 साल सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए और अपने असंतुष्ट विधायकों को समझाने के लिए नहीं आए आप। आपको हमको सिर्फ और सिर्फ जनता का भला हो, हमको कोई मतलब नहीं है कि आप सरकार में अगर आप अंदर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष के नाते हमको ये बताना होगा कि सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं है। आपके विधायक असंतोष जारी करेंगे तो हमको बताना पड़ेगा, आपके मंत्री आपसे कुछ नहीं है। विधायक संयम जी भी है, संकट मोचक के तौर पर नजर भी आए थे, ये आप भी मानते, यानी बीजेपी भी मानती है, संयम जी से इस पर रिएक्शन। संयम जी, श्वेता जी, बीजेपी के हमारे विद्वान मित्र ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के उन्होंने टिप्पणी की, तो वो ये बता दें कि देश की संसद में 787 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों मिला के। कायदे से भारत सरकार में 118 मंत्री होने चाहिए 15% के हिसाब से। नरेंद्र मोदी की सरकार में 60 मंत्री क्यों है? क्या आरएसएस ने अभी तक नरेंद्र मोदी को छूट नहीं दी है? देखिए, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कब मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं या कितने लोगों को उसमें लेते हैं। उसी तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी ये विशेषाधिकार है कि कब वो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करते हैं या किनको मंत्री के रूप में शामिल करते हैं। ये कोई इस बात का विषय नहीं होता कि इस मुद्दे पर सरकार गिर जाएगी। किसी के लिए वोट पार्टी की सरकार बनाने के लिए माने गए, कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा ये मुख्यमंत्री और पार्टी की लीडरशिप ही तय करती है। भारतीय जनता पार्टी तो ये बताना चाहिए, इस तरीके की टिप्पणियां करने की बजाय अपना आत्मालोचन करना चाहिए। 2013 में आपको 162 सीटें राजस्थान की जनता ने दी थी और 2018 में आपकी 90 सीटें कम हो गई, आप 72 पर आकर खड़े हो गए और अब भी इस तरीके के षड्यंत्र में आप लिख गए, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब ये निगम के चुनाव हुए, क्या हुआ? इससे पहले निकायों के चुनाव हुए थे, क्या हुआ? ये तो आपके साथ हुआ था, भूल गए, ये आपकी सरकार के कोटा जैसी जगह जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती थी, वहां दोनों मेयर आपके नहीं आए, इससे ज्यादा क्या बुरी हालत होगी आपकी? ठीक है मुकेश जी, देखिए, हड़ौती का मतलब माना जाता था कि भाजपा, चलिए ठीक है, भले ही कितना मुकेश जी, भले ही कितना देवेंद्र शास्त्री जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, आखिरी दिन गिन रही है कांग्रेस सरकार, ये अरुण चतुर्वेदी जी का भी कहना आया, क्योंकि अब इस बयान के बाद प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। किस आधार पर कुछ काम नहीं हुए या वो कुछ दो चार बातें जो शुरुआती तौर से सुनते आ रहे हैं, क्या वाकई आप मानते हैं? क्योंकि ना तो आप बीजेपी से ना कांग्रेस से, आप से भी कोई यहाँ पर है नहीं कि विधानसभा में हो, लेकिन इसके बावजूद कैसे देखेंगे? क्या वाकई में मानते हैं कि सिर्फ ये बयानबाजी का ही दौर है, कुछ होना नहीं है, या वाकई में कुछ सुगाहट है? देवेंद्र शास्त्री जी, देखिए, पिछले लंबे समय से ये जो पहला एपिसोड हुआ था जिसमें सरकार गिराने की बात हुई थी, तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आगे थे और जो गिराने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वो बहुत बुरी तरह से असफल रहे थे, और उसका एक मेजर कारण अशोक गहलोत के नेतृत्व के अलावा ये दिया गया था कि वसुंधरा जी नहीं चाहती हैं कि सरकार गिरे, और वसुंधरा जी इनमें पावरफुल हैं, और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी न टूट जाए। ये संयम लोढ़ा जी बात कह रहे हैं कि 4 विधायक गायब हो गए थे, तो आप ये देखिए कि दोनों पार्टियों की हालत एक जैसी है। भारतीय जनता पार्टी भी टूटी हुई है, बिखरी हुई है, इनके अंदर भी एकमत नहीं है। ये अपने आप को दिखाने के लिए गुलाब जी ये कोई वक्तव्य दे करके सगुफा छोड़ देंगे, बाकी कोई राजनीतिक क्या वाकई में समझ की बात नहीं है। गुलाब चंद कटारिया के इस बयान को श्रोता जी देखे कि पिछले दिनों जब गुजरों का जो आंदोलन हुआ, इससे पहले हमने देखा कि सचिन पायलट जी ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, वो इस घटनाक्रम के बाद, जुलाई अगस्त के घटनाक्रम के बाद का बता रहा हूं मैं आपको, तब उन्होंने कहा कि जो बैकलॉग के हमने विधानसभा के चुनाव के दौरान ये वायदा किया था, और मुख्यमंत्री को याद दिलाते हुए और अपना पत्र भी उन्होंने सार्वजनिक किया। उसके बाद में आपको ध्यान हो तो जो कांग्रेस के विधायक हैं भरत सिंह जी, उन्होंने एक बयान दिया कि क्या नाम से मंत्रिमंडल में एक भ्रष्टतम मंत्री है, तो उन्होंने मंत्री
मंत्री को हिसारा में किया, तो ये सारी गतिविधियां ऐसी जाहिर करती हैं कि जो कांग्रेस में असंतोष जाहिर करती है। तो स्वाभाविक है कि संयम लोढ़ा जी से लोग जो है वो उसको संभालने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात संयम लोढ़ा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार का अधिकार है वो मुख्यमंत्री को है, लेकिन इसके बाद ये भी देखना चाहिए कि तीन तीन चार चार मंत्री जो है हट चुके हैं, उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। एक बार जो हो चुका क्या वापस उसे दोहराने की कोशिश है? एक बार तो असफल हुए, क्या वाकई में दोबारा सफल होने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? कांग्रेस एकजुट है कहा जा रहा है और गिराने की सरकार जो बात कही जा रही है ये बेहद गलत है, लेकिन इतना जरूर है कि गुलाबचंद कटारिया वरिष्ठ नेता है, उनके बयान को भी ऐसे नहीं देखा जा सकता। किस परिपेक्ष में उन्होंने ये बात कही ये भी बेहद अहम हो जाती है, लेकिन बहरहाल सरकार अभी काम कर रही है, ऐसा कुछ भी होना नजर नहीं आता है कि सरकार यहां पर गिर जाए या सरकार गिराने और बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जनता ने जिसलिए चुना है सरकार को वो काम करना चाहिए, और अगर सरकार कर रही है तो विपक्ष को उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इस तरह की बार बार तस्वीरें सामने आती तो राजस्थान का नाम भी देश में दूसरे राज्यों में अलग तरीके से देखा जाएगा कि आखिर राजनीति यहां पर किस तरह से हो रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।